सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हुआ? टेंशन में चल रहे हो? डेट शीट आ चुकी है साइंस की, कब होगा एग्जाम? तो भाई बिल्कुल चिंता मत करो, श्री राम कोचिंग क्लासेस आपके लेकर आ चुका है एक अचूक और भाई ऐसे भाई रामबाण उपाय जिसके लिए आपके पास कभी किसी की कमी नहीं होगी। तो जुड़े रहो, मैं बताता हूँ क्या क्या है उसके अंदर। बात यह है कि भाई हम लोग पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन हमारे मार्क्स क्यों नहीं आ पाते? गाइस देखो, दो तरीके की स्टडीज होती है, एक होता है हार्ड वर्क वाली स्टडी और एक होता है स्मार्ट वर्क वाली स्टडी। अब हार्ड वर्क में क्या होता है, दिन भर पढ़ते हो भाई, दिन रात जोर लगाते हो, सब कुछ पढ़ते लेकिन मार्क्स नहीं आते। और स्मार्ट वर्क में क्या होता है भाई, आप दिन भर सोए, कुछ भी करें, सोते आराम से, पैटर्न होता है, आपको पता है कि टीचर को बताएगा भाई ये चीज यहाँ से इतनी पढ़ लो, ये चीज कर लो, ये चीज ये, इसका मतलब ये, और आप आसानी से मार्क्स लेकर आते हो। तो मैं आपके लेकर आया हूँ भाई एक क्रैश को, जिसके अंदर आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपको बताता चलता हूं। देखो, इतनी बड़ी बड़ी किताबें लोग बोलते हैं भाई लखवीर सिंह मंजीतकर पढ़ लो, यू लाइक कर लो भाई, ये कर लो भाई, एनसीईआरटी पढ़ लो भाई, उसके नोट्स ले लो भाई, उससे पढ़ लो, उससे पढ़ लो, कोई जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट भाई, यहां से लेके यहां तक, इस डॉट से इस डॉट तक पढ़ लो, काम खत्म। क्या चीज है, दिमाग में डालना है। देखो, हम लोगों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझनी चाहिए, ये नहीं कि भाई इतने बड़े थ्योरीज हैं, इसको ये कर दो, वो कर दो। नो, मेरे साथ रहिए, मेरे पास है 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस, मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न होता है, और किस चैप्टर से, किस लाइन से कौन सी वाला क्वेश्चन बनता है। मैं आपके साथ चलता रहूंगा, देखो इन सब बुक्स आपको जरूरत नहीं। अब बताता हूँ तो भाई ये क्रैश कोर्स है क्या, कैसे होने वाला है, कब होगा, क्या चार्जेस है, सब बताते हैं। चलो गाइस, इस क्रैश कोर्स की मुझे सडनली भाई बहुत ज़्यादा डिमांड लगी, बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट किया, डीएम्स भी आते थे बच्चों के। तो हाँ गाइस, जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया हो भाई श्री राम कोचिंग क्लासेस को इंस्टा पे, तो जाके फॉलो करना ही लर्नर्स के नाम से। फेसबुक का हमारा पेज जरूर चेकआउट करना, यूट्यूब पर तो आप सब हैं। तो देखो गाइस, 25 से 10 मार्च तक का क्रैश कोर्स होगा, इसके अंदर मैं आपको सारा पैटर्न, देखो क्या क्या रहेगा, कैसे रहेगा, सब बताऊंगा। और फीस भाई इसकी, बस आपका जो प्यार है, आप जो करते हो श्री राम कोचिंग क्लासेस, उसको प्यार बना के रखो, हर चीज आपके लेकर आएगा आपका दोस्त यहाँ पर। और भाई कैसे करना होगा, तो रोज सिर्फ एक वीडियो आएगी, देखो गाइस सिर्फ एक वीडियो रोज आने वाली है, और उस वीडियो को रोज आप देखो। हो सकता है शुरुआत में आपके लिए बनाने के लिए पेस आधे घंटे के दूं, फिर ऐसे साइंटिफिक अप्रोच बताऊंगा आपको, इसको याद कैसे कर सके, निमोनिक्स बताऊंगा शॉर्ट फॉर्म्स याद करने की, और आप कैसे कैसे करेंगे, आधा घंटा से एक घंटे, कभी कभार डेढ़ भी जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। डाउट सेशंस के लिए मैं लाइव भी आपके साथ आऊंगा, तो बस देखते हो आगे क्या होता है। देखो, अब हमने ये तो समझ लिया भाई क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन किसी भी एग्जाम को या किसी भी भाई चुनौती को, जब आपको पूर्णता उसके सामने संघर्ष करना है, लड़के उसको जूझ के जीत कर आना है, तो उसके लिए पहले जान लो, अगर सामने वाली सेना से लड़ने जा रहे हो तो उसकी कितनी भाई सैन्य बल है, कितने हाथी घोड़े हैं, सब जान लो, फिर उसके सटी कमजोरी पर जाके वार करो, समझ लो पूरी परिस्थितियों को। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ हर डिटेल मैनर में कैसे चलेंगे हम, क्या क्या करेंगे। देखो गाइस, हमारे पास टोटल 5 यूनिट है सिलेबस के अंदर, ठीक है। केमिकल सब्सटेंस जो कि 26 मार्क्स आ रहा है, वर्ड ऑफ लिविंग 23, नेचुरल फिनोमेना 12 नंबर, इफेक्ट्स ऑफ करंट 14 नंबर, नेचुरल रिसोर्सेज 5 नंबर, टोटल बनता है 80 मार्क्स। लेकिन जो हमारा टोटल एग्जाम होता है वो होता है 100 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स का ये कहाँ से आ रहा है, ये कौन सा भाई स्कैम हो रहा है 1992 वाला, तो भाई ये तो 20 नंबर का स्कैम क्या है। तो गाइस ऐसे कोई स्कैम वाली बात नहीं है। देखो, ये जो 20 मार्क्स है ना, ये आगे आपके काउंट विल बी काउंटेड इन इंटरनल असेसमेंट। अब इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो जो 5 और 5 नंबर के पीरियोडिक असेसमेंट होगा, यानी स्कूल को एक लिबर्टी दी गई थी लॉकडाउन और सारे फेजेस के अंदर, कि वो कोई भी 3 एग्जाम करा रहा था, उनमें से बेस्ट ऑफ 2 को पिक करे, कोई बेस्ट ऑफ 2, और उनको 5 मार्क्स करके आपको देंगे, ठीक है। ऐसे करके अब देखो, प्रैक्टिकल फाइल बनती है, ये बनता है, वो बनता है, उसके मिलेंगे आपको 5 नंबर, और एक पोर्टफोलियो बनाया जाएगा, जैसे कोई आपको असाइनमेंट दे देता है या कुछ दे देता है, उसके बेसिस पर, ठीक है। और पोर्टफोलियो का सब्जेक्ट क्या रहेगा, वो रहेगा नेचुरल रिसोर्सेज, आपका 5th यूनिट, इसका जो टॉपिक है वो आपका अभी तक हो चुका होगा, अभी तक उसकी कोई जरूरत नहीं है। और एक नई बात और, अगर भाई सामने वाली सेना को जानना है ना, तो जान लो जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना सीबीएसई वाले, मैं आपको इतना एक्सपर्ट कर दूंगा कि आप भाई डेस्क पे खड़े होकर बोलोगे सर मुझे पूरा पेपर आता है, मुझे तो यार सर टेंशन ही नहीं हो रही, आपने ये वाला पार्ट क्यों पूछा, वो तो बहुत अच्छा पार्ट था, तो मैं आपको तैयार कर दूंगा, चिंता मत करना। अब देखो, 33% मार्क्स की इंटरनल भाई चॉइस आपको मिलेगी, मार्क्स बोलिए जो पैटर्न है ना पेपर का, उसमें बताया गया है कि 33 नंबर की चॉइसेस आएंगी, ये या फिर ये, कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। अब देखो और डिटेल्ड बात,
अब भाई सिलेबस जो तो डिलीट हो गया भाई, कोरोना काल आया, बहुत सी चीजें अच्छी चीज लाया खाने के लिए पकवान, लेकिन कुछ बुरी चीजें भी लेकर आया। तो गाइस बुरा समझो अच्छा समझो, सीबीएसई ने आपके लिए बहुत प्रीशियस चैप्टर्स को हटा दिया है, जिससे आप लोड कम पड़े और बहुत आसान चीजों को प्रिफर भी कर दिया है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट डिलीट हुआ है ना सिलेबस का, इस देखो ये सब है, मेटल एंड नॉन मेटल में क्या गया, कार्बन कंपाउंड में तो भाई पूरा नॉर्मल क्रिएचर से कार्बन कंपाउंड का पार्ट ही हटा दिया है वहां से। अब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में क्या क्या रहा गाइस, देखो इसकी आप चिंता बिल्कुल मत करो। अगर आपको चाहिए मैं इसके लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, दे दूंगा मैं आपको, आप उसमें जरूर जाके देखो क्या चीज़ है। आप चाहोगे तो कंटिन्यू करना, आप करोगे, नहीं चाहोगे तो आप भाई वहाँ से जरूर इन्फॉर्मेशन लेके जाना, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो दोस्त मेरा भाई, जो भी मेरा विद्यार्थी भाई, जो भी स्टूडेंट्स को वीडियो को देखे, वो पूरी तरह तैयार हो जाए, पूरी तरह तैयार, तो मैं उसको हर चीज़ से रूबरू कराऊंगा। देखो गाइस आप इसको चिंता मत लो, गाइस सिलेबस कटा है कैसे कटा है वो मैं कराऊंगा, बस आपसे एक चीज़ चाहिए क्या, कि साथ रहो, क्योंकि भाई तुम्हारे सिलेबस की लड़को, तुम्हारे सिलेबस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। तो 25 फरवरी से 10 मार्च तक जुड़े रहो श्री राम कोचिंग क्लासेस के साथ, रोज एक वीडियो आएगी और रोज डट के सामना करना। कमेंट में मुझको बताना कि कौन कौन ज्वाइन करने वाला, कौन कौन रोज पढ़ेगा। रोज एक वीडियो आपको भाई आपके ड्रीम के और एक कदम पास लेके जाएगा। इस एक बात याद रखना मेरी, किसी भी जर्नी में चलने के लिए सबसे मुश्किल स्टेप होता है फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप है आपको रोज वीडियो देखनी है। अगर आपने रोज वीडियो देख के अपने नोट्स बना भी लिए ना, गाइस आई श्योर यू यू विल गेट 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स। अगर नहीं आएंगे तो गाइस मैं आपके साथ हूँ, कहीं कैसे नहीं आएंगे। तो गाइस चलो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए भाई तैयार हो जाओ, पैकेट बांध लो, दोस्तों का ज्यादा शेयर करो और चैनल गाइस जरूर जरूर सब्सक्राइब करो। देखो ये प्यार है, एक इकोलॉजी, एक इकोसिस्टम है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं आपके लिए और कंटेंट लाऊंगा, आपके और दोस्त आएंगे, तो हम एक पूरी साइकिल बनाएंगे। कोई भी मैं आपसे चार्ज नहीं लूंगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस एक चीज चाहिए वो है आपका प्यार और डेडिकेशन। सो गाइस डू सब्सक्राइब चैनल, एंड कोई भी एक प्रॉब्लम हो तो आप नीचे मुझको कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलेंगे आपको 25 फरवरी के साथ एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।